अब बताओ क्या हुआ तुझे? डर वो भार्य ने बताया कि साक्षी अर्जुन बेटा ये सब होता है इस उम्र में। एनीवे वो लड़का कौन जानते हो? वही अराध नकुल। नकुल ने अपना हर कदम अपनी हर चाल सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए चली। उसने साक्षी को भी मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया। साक्षी भी उसकी दीवानी हो गई। दैन आप ठीक कहते हैं दैन लड़कियों के बारे में। बस इनफ। बस अर्जुन बस। अगर तुम इस वक्त इस बात का असर अपने ऊपर आने दोगे तो ये तुम्हारी हार होगी और उस नकुल की जीत। क्या तुम ये चाहते हो? तो फिर अपनी शक्ल अपने बर्ताव से ये बिल्कुल जाहिर मत होने दो कि तुम्हें इस बात से जरा सी भी तकलीफ हो रही है। बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये नकुल बहुत दिन रह चुका है एकेडमी में। बस अब और नहीं। क्या हो गया साक्षी को? मोबाइल पे रिंग जा रही है तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? ये देर भी हो गई है। होप शी इज ओके। इसके घर का नंबर हेलो। क्या मैं साक्षी से बात कर सकती हूँ? जी बेबी जी किसी से बात नहीं करना चाहती। क्यों? जी पता नहीं। देखिए उसे कहिए कि आशु का फोन है। मैं उसकी एकेडमी की फ्रेंड हूँ। वो दो दिन पहले घर आई थी ना। जी वो तो मैं समझ गई लेकिन बेबी जी नहीं बात करना चाहती। ऐसा क्या हो गया? फोन काट दिया। क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे हम बता ही रहे हैं अपने जो बॉस है ना अपने आप को एंग्री यंग मैन से कम ना समझे। समझ रहे हो कि नहीं? जब देखो पांडे ऑल टाइम रैंक करते हो एक हाथ तो सब हाथ बाउंड्री लाइन के बाहर जाके गिरो मालूम है? अरे क्या मालूम 24 घंटे जो है हाथ यूं रहता है 19 मारंग का है। क्या हुआ है? बजरंग बली। अरे कुल। अरे सर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कैसे हो? मैं तो शिवी के साथ आ गया। कैसे हो? अच्छा हाँ वो साक्षी तुम्हारी दोस्त है ना? क्यों सर? वो हमारी कल उससे मुलाकात हुई थी थोड़ी प्रॉब्लम हुई थी। तुम अपने प्रोटीन शेक्स ले रहे हो ना? गुड नाइट सर। आई विल सी यू लेटर। ये साक्षी फोन क्यों उठा रही है? व्हाट? कल रात कुछ लड़कों ने साक्षी को छेड़ा? हाँ शो आनंद जो शिविर से टाइम पे नहीं पहुंचते ना तो बताना क्या करती थी वो।
अगर ऐसी बात है तो वो किसी से बात क्यों नहीं करना चाहती? जरूर और भी कुछ हुआ है, शायद ये सब होने से पहले कुछ और भी हुआ। उसके पहले हाँ, उसके पहले तो वो अर्जुन के साथ डिनर पे जाने वाली थी। नकुल, मुझे साक्षी की बहुत चिंता हो रही है। मैं एक काम करती हूँ, मैं जाके उसे उसके घर पे ही मिलाती हूँ। हाँ, बुरा आइडिया, तुम घर पहुंचकर मुझे कॉल करो। बहुत परेशान हो ना? हाँ ठीक है, तुम जाओ। You never loved me. प्यार करते तो ट्रस्ट भी करते, बस इट्स ऑल ओवर। इस मैच को लेके मैं बहुत परेशान हूं। कम ऑन शिवी। नहीं यार, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। गड़बड़ मतलब? मतलब नकुल के साथ। लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? पता नहीं, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। नकुल को उसके एक्सीडेंट के बावजूद मैच खेलने के लिए फोर्स किया जा रहा है। आनंद, किसी भी डिसीजन के लिए किसी ने मुझसे मेरी राय तक नहीं ली है। आनंद, मुझे लगता है मैं नकुल को उसके माँ बाप के बारे में सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। क्या? हाँ, तुम्हें याद है पिछले मैच से पहले कैसे कुछ लड़कों ने नकुल को परेशान कर दिया था ये कहकर कि उसकी मां को सारी सच्चाई बता दें। ये बता देंगे कि वो किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं बल्कि विक्टोरिया स्पोर्ट्स एकेडमी में। और आनंद, मैं नहीं चाहता कि फिर से कोई ऐसी बात छेड़े, इसलिए बेहतर यही होगा कि मैं नकुल को खुद सब कुछ तैयार कर दूं उसे किसी भी बात के लिए। एक मिनट छवि, एक मिनट। मैं जानता हूं कि तुम नकुल को एकेडमी से बाहर नहीं होने देना चाहते, तुम उसे प्रोटेक्ट करना चाहते, लेकिन यार ये उसकी अपनी जिंदगी है, उसे अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो भाई। रही बात सच्चाई बताने की, तो वो उसे लीला बताएगी। लीला के मुंह से उसे सच्चाई का पता चलना चाहिए। अगर उससे पहले किसी और ने उसे बात बता दी तो ये बात नकुल पर डिपेंड करती है, उसकी ताकत, उसके अंदर की हिम्मत पर डिपेंड करती है कि वो इस बात को कैसे एक्सेप्ट करता है। नकुल और साक्षी के बारे में बताने के लिए। काश मुझे ये सब पहले से पता होता। पता है, उन दोनों की बातें सुन के I was completely shocked।
मुझे तो खुद यकीन नहीं होता कि साक्षी ने अपनी भोली सूरत से इतने दिनों तक मुझे बेवकूफ बनाया। सूरत से कुछ नहीं होता अर्जुन, शायद इसीलिए कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। अर्जुन मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ, जानती हूँ तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है, तुम ये सब भूल जाओगे और साक्षी को माफ कर दोगे। व्हाट, तुम्हें लगता है मैं उसे अब भी माफ कर दूंगा? दैट साक्षी, वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड? दैट गर्ल साक्षी। एक्चुअली नकुल के बारे में सोच के भी बहुत अजीब लगा। मन तो करता उसका गला घोट दूं। एकेडमी में सब लोग उसे कितना बेचारा समझते हैं, पर एक्चुअल में कितना कमीना है वो। एग्जैक्टली। बट मारिया, तुम मुझे लेके इतना परेशान मत हुआ करो। कौन अर्जुन, दोस्त है तुम्हारी ना? दुनिया चाहे इधर से उधर हो जाए, मैं हमेशा तुम्हारे साथ थी, तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। थैंक यू मारिया। सी यू। बाय। टेक केयर। साक्षी, ये क्या हो गया तुम्हें? कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हो, तुम फोन ही नहीं उठाती हो, कम से कम तुम्हें मेरा फोन तो। साक्षी क्या हुआ? साक्षी रो क्यों रही हो तुम? हाँ चलो तुम्हारे रूम में चल के बात करते। क्या हालत बना दी तुमने अपनी? हाँ Look at you, ऐसे लगता है तुम सारी रात सोई नहीं हो। सोती हूँ तो अजीब अजीब से ख्याल आते, पूरे सपने आते हैं। तुम्हें पता है नकुल भी तुम्हारे लिए कितना परेशान है, उसे उसके कोच शिवी सर ने बताया जो कुछ कल रात को हुआ। तुम तो अर्जुन के साथ डिनर पे गई थी ना? साक्षी क्या हुआ? अर्जुन ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, उसने मेरी फीलिंग्स और मेरे दिल को इस तरह कुचला है, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। ऐसा क्या किया उसने? सोची कैसे थी आशु, वो सब करूंगी वो सोच रहा था। पर अर्जुन ने कहा क्या? आशु मैं कुछ नहीं बताऊंगी, सोच कर तकलीफ होती है मुझे। ओके ठीक है, यू जस्ट काम डाउन, ओके अब रिलैक्स हो जाओ। कम अब चल के थोड़ी देर रेस्ट करो, यू फील बेटर। कम चलो साक्षी, चलो कम चल। सर आपने मुझे बुलाया। हाँ कम सिट। शिवी मैं इस मैच के बारे में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मिस्टर कोच, आपको याद होगा किस तरह आपने एक सड़क के लड़के को एकेडमी में एडमिशन दिलाने के लिए एक स्पेशल मैच रखा। इट्स राइट प्लीज। इट्स ओके सर। जी मुझे याद, और उसी मैच की वजह से इस एकेडमी को एक बेहतरीन प्लेयर भी मिला। बेहतरीन इंडीड, वो तो खैर अगले मैच में पता चल ही जाएगा। जी अगर नकुल को उसके एक्सीडेंट के बाद ठीक होने का थोड़ा वक्त और मिले तो। सर अभी भी वक्त है सर, नकुल को खुद को प्रूव करने के लिए थोड़ा समय और चाहिए, प्लीज सर। ये बस कुछ और नहीं, अगर इस देश में विक्टोरिया स्पोर्ट्स एकेडमी का नाम तो उसके कंपेटिटिव स्पिरिट, उसके स्टैंडर्ड्स की वजह से। अगर आपको उस लड़के की काबिलियत पर शक है तो उसे यहां होना नहीं चाहिए। मुझे नकुल की काबिलियत पर बिल्कुल भी शक नहीं है। तो फिर उसी से ओपनिंग करवाई क्यों? इस मैच में ओपनिंग बैट्समैन होंगे अर्जुन और नकुल।
मैच की फिक्र मत करिए। अगर इनका चैंपियन शुरू में ही डगमगा भी है तो दूसरी तरफ मेरा अर्जुन भी वो मैच को संभाल लेगा। प्लीज मुझे सूप नहीं पीना है। अरे देखने में कितना कड़वा लग रहा है। पिएगा नहीं तो तगड़ा कैसे होगा? कल मैच खेलना है कि नहीं? अरे उसके लिए मैं पीता हूँ ना प्रोटीन शेक। अरे वो आजकल की मॉडर्न चोचलेबाजी है बेटा, उससे बड़े बुरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। अरे तू ये पीना देख उसके बाद क्या होता है। चलो पियो। अरे तू पीता कि नहीं? कम ऑन फिनिश इट। रहने दीजिए साहब, कल अगर नहीं पीना चाहता तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। ये आ गए अपने वकील साहब। अरे इसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ, चलो पियो बेटा। कल के मैच के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर। और अब थोड़ा आराम करो, ओके? हाँ, आराम तब करूंगा जब मुझे यहाँ से छुट्टी मिलेगी। कमाल है। अरे मैंने कब कहा काम करने के लिए भाई? कब से कह रहा हूँ आराम करो आराम करो, मेरी सुनता कौन है यहाँ पे? कोई नहीं सुनता। अच्छा अच्छा अंकल, ठीक है। तो मुझे ये बताइए कल मेरे मैच देखने आएंगे ना? क्रिकेट भी कोई गेम है खेलने लायक? बोरिंग। कमाल है, अभी मुझे मैच खेलने के लिए जोश दिला रहे थे, अपना गंदा सा सूप पिला रहे थे, और ये देखो। देखो भाई, तुमने खेलना है ना, जरूर खेलो। मुझे और भी बहुत काम है दोस्त। बहुत नकुल लीला सलगांवकर की बैटिंग देखने से बेहतर क्या काम सकता है? पता नहीं अर्जुन ने साक्षी को ऐसा क्या कहा, क्या किया कि वो उससे इतनी नफरत करने लगी है? कहीं सबकी वजह मैं तो नहीं? अगर मैं साक्षी को नहीं कहती कंप्लीट गर्ल का नाटक करने के लिए तो शायद वो नकुल से नहीं मिलती। साक्षी, जाने अनजाने में मैंने ही तुम्हें इन सारी मुसीबतों की ओर धकेला है। हो सके तो मुझे माफ कर देना और अपना ख्याल रखना। मैं तुम्हें फिर से खुश देखना चाहती हूँ। तुम्हारी फ्रेंड आशु। अर्जुन, इस आने वाले मैच में ओपनर्स नकुल और तुम हो। Really, Dad? दुनिया को दिखा दो कि तुम सबसे कितने बेहतर प्लेयर हो। तुम्हारी टीम की जीत तुम्हारी बैटिंग की वजह से होनी चाहिए। Yes, Dad, लेकिन मतलब कि जहां तक इस नकुल का सवाल है तो अच्छे अच्छे प्लेयर्स अक्सर कंफ्यूज होकर रन आउट हो जाते हैं, राइट? मैं जानता हूं कि तुम इस लड़के को तबाह कर देना चाहते हो, और बेटे इस मैच से अच्छा मौका कोई नहीं। हाँ, लेकिन जो कुछ भी करो होशियारी से करो।